Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we learn about practice set 1.1 and question number 2. Question number 2 first. Here I write question. I written the question 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22. First of all, we give the equation number. इसको equation number 1 देंगे, इसको equation number 2 देंगे. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3a plus 5b is equal to 26. This is equation number 1. And a plus 5b is equal to 22. This is equation number 2. देखो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पर वेरिएबल a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसको इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज इक्वेशन 1 में 3 है, तो ये 3a और ये भी 3a हो जाएगा. बिकॉज अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा. तो ये 5 3 15, और ये इस तरह से जो है हम इसको इसके कोएफिशिएंट की तरह सेम करेंगे और बाद में सब्स्ट्रैक्ट करके वो कट हो सकता है. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है, हमको प्लस 5b और यहाँ पर भी प्लस 5b, पहले से दोनों कोएफिशिएंट जो वेरिएबल b है उसके कोएफिशिएंट सेम है, तो इसलिए हमको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इन दोनों की हम सब्स्ट्रैक्शन करके ये टर्म कट हो जाएगा. ठीक है, तो ये इजी तरीका हो जाएगा. तो हमको डायरेक्टली हम इन दोनों ही इक्वेशंस की सब्स्ट्रैक्टिंग करेंगे. तो इक्वेशन सब्स्ट्रैक्टिंग, टू फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को हम सब्स्ट्रैक्टिंग करेंगे. तो देखो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. हमको क्या करना है, सब्स्ट्रैक्टिंग करना है. तो सब्स्ट्रैक्टिंग करते हो, याद रखो बच्चों, ये जो नीचे वाली इक्वेशन रहती है उसके साइन जो है हमको चेंज करना है. तो ये प्लस में a है तो वो माइनस में a हो जाएगा, ये प्लस के 5b माइनस के 5b हो जाएंगे, और ये प्लस के 22 माइनस के 22 हो जाएंगे. तो यहाँ देखो ये कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल सेम है बट साइन इज डिफरेंट. ये प्लस में 5b है और ये माइनस में 5b, तो दिस इज गेट कैंसल. ये 3a प्लस में है और ये a माइनस में, तो प्लस माइनस इज माइनस. तो 3a में से a गया 2a, और बिगर नंबर क्या साइन है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, एक है. तो 3 जो है बड़ा नंबर है, इसलिए उसकी साइन आएगी यहाँ पर. तो प्लस स्टार्ट में लिखा नहीं जाता, इज इक्वल टू ये 26 में से 22 माइनस करना है, तो यहाँ रहेंगे 4. तो 2a इज इक्वल टू 4. सो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, बिकॉज ये 2 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके वो डिवाइड में चला जाएगा. 2 1 2 2 2 4, सो a इज इक्वल टू 2. द वैल्यू ऑफ a इज 2. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में, जो तुमको इजी कोई इक्वेशन लगे उसमें रखो. हमको ये इक्वेशन सेकंड जो है इजी लग रही है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. अब a की जगह हमको क्या रखना है, a की वैल्यू कितनी है, 2. तो a 2 इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 22. 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22. सो 5b इज इक्वल टू 22. अब ये 2 प्लस में है तो राइट साइड में आके वो माइनस में 2 हो जाएंगे. सो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 20, है ना, 20 आ जाएगा. सो b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5,
बिकॉज ये b के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके वो डिवाइड में चला जाएगा, 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, सो b इज इक्वल टू 4। तो हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाले, फाइंड किए, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। तो नाउ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is 2, 2, 4। Allah.